evening you can go home, or the next day. Then we have an advanced laparoscopic system. We have bought it from the Olympus, and we have a good arthroplasty surgeon. We can do a TKR. आजकल आपने देखा होगा धोनी का जो सर्जरी किया है, वैसे डॉक्टर्स यहाँ पे आके ये फैसिलिटी को यूज़ करेंगे. और जो रोबोटिक सिस्टम है वो भी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करने वाले हैं. काफ़ी सारा एडवांस सिस्टम्स है, और उसकी वजह से अंधेरी जैसा जो एरिया है चुकू विले पार्ला लोखंड वाला, तो वहाँ के जो मेन जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सुविधा है. हालांकि इससे कॉस्ट वाइज ऑल्सो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल. लोगों का जो जहाँ पे भी हॉस्पिटल है, इफ यू कंपेयर टू एनी अदर हॉस्पिटल्स ऑफ द मुंबई, सबब का हमारा जो मलाड का हॉस्पिटल है, इट्स 150 बेड हॉस्पिटल. मेरे ख्याल मोटी मोटी बात है, जिसको भी आना हो प्लीज यहाँ पे आओ, है ना. एंड सर व्हाई मनीष फॉर दिस इनॉग्रेशन? तुम्हें हिंदी नहीं दिख रहा, तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ. ऑफ कोर्स प्रमोट कर रहे हैं हम. मनीष हैज बीन अ गुड फ्रेंड टू अस, एंड ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हेल्थ केयर, एंड ही इज वेरी कीन. व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट हॉस्पिटल्स, ही ऑलवेज टेक्स कीन इंटरेस्ट की क्या फैसिलिटीज है, व्हाट इज द लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी. मेयर, और मैं ना, मैं एक बात एक्चुअली कहना चाहता हूँ. हॉस्पिटल से जनरली, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बड़े लोग ना डर जाते हैं कि हॉस्पिटल जाना है. अरे यार, मेरे ख्याल सबको हॉस्पिटल जाके अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. यू नो, हॉस्पिटल डजंट जस्ट मीन कि कोई सर्जरी होनी है, कुछ होना है, चलिए वो भी होता है, लेकिन डॉक्टर्स को फ्रेंड बना लो, क्योंकि अगर हमें हेल्दी रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है. नॉर्मल चेकअप्स जो होते हैं वो डेफिनेटली हर इंसान को ज़रूर कराना चाहिए. उसका हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं था. हाँ, जो लोग हंस हंस के गिर गए हों, अगर भगवान न करे उनको चोट आई, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं. मनीष, आपसे पूछना चाहूंगी, आज भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है. एग्जैक्टली, सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं. हम लोग सोच भी नहीं सकते वो लोग कितनी मेहनत डालते हैं, कितनी रिसर्च होती है. हमारे लिए बड़ा अच्छा है, हम इंस्टाग्राम पे बैठ के देख के ताली बजा सकते हैं. बट आई जस्ट फील कि ये जो हमारी कंट्री के लिए प्यार है, इसरो के लिए प्यार है, जो ब्लेसिंग्स हैं, जो हम दुआएं कर सकते हैं, दिल से करो. सिर्फ इंस्टाग्राम तक लिमिटेड मत रहो, यहाँ से भी. और मनीष, आपको मैन इन मैनी शेड्स हमने तो देख लिया है, इसके बाद हम आपके कौन सा अवतार हम देख सकेंगे? अब मुझे लग रहा है मैं एक डॉक्टर का रोल करना चाहता हूँ. यहाँ आके मेरी आंखें खुल गई, यहाँ पे बड़े कमाल के डॉक्टर मुझे अंदर मिले, तो मैं अगला वो भी करना चाहता हूँ. क्या कहना चाहेंगे आज का जो इनॉग्रेशन है उसके बारे में, कितना इम्पोर्टेंट था इस एरिया में? यही मैं अभी कह रहा था इनसे कि ये एरिया में यहाँ पे हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहाँ से हम लोग जाते, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर दूर डिस्टेंस को हॉस्पिटल नहीं है. तो तुंगा हॉस्पिटल ओपन किया है राजेश और उनके ब्रदर डॉक्टर सतीश. मैं आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड बहुत सारी चैरिटी भी आप इसमें कर रहे हैं. मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पे सम्मान दिया. फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिट होना बहुत ज़रूरी है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आजकल. तो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. आपने ऊपर विजिट किया, थोड़ा सा बताइए क्या? बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, ICU रूम देखा मैंने, ओपनिंग किया, और बहुत ही सेफ्टी से हर चीज़ इन्होंने क्लीन और बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज किया हुआ है. बहुत मुश्किल से ऐसे हॉस्पिटल दिखते हैं ये तुंगा, क्योंकि तुंगा हॉस्पिटल में ये खासियत बात है कि अब पेशेंट्स केयर और बहुत अच्छी तरह से गए. मैं इनके वो मालाड वाले वहाँ पे भी गया हूँ, तो बस यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट. ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट नहीं आए, आए तो अच्छा होके जाए. सर क्या कहना चाहिए? देखिए क्या है, राजेश सिटी जी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, और कोविड के दौरान जो है इन्होंने पूरी जो कम्युनिटी थी, डॉक्टर शेट्टी जो पूरा कम्युनिटी का जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, उसकी बड़ी इन लोगों ने हेल्प की. वैक्सीनेशन से लेकर और जो भी इमरजेंसी कुछ होती थी, तो इनके टीम जो है एम्बुलेंसेज वगैरह आते थे. तो पहली बार वो जो होता ना कि आपको एहसास जो होता कि आपके आसपास में अच्छा हॉस्पिटल और फैसिलिटी होना, जो इनका मलाड में टुंगा हॉस्पिटल है, और ये जो हॉस्पिटल इन्होंने खोला है IS 60 बेड का है, और इस एरिया में इस तरह का बुटीक एक मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत अच्छी बात है, जो कि
अफोर्डेबल प्राइसिंग है ना सर, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है और हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये 2-4 मिनट की दूरी पे, और बहुत बहुत मतलब इसमें ईश्वर करे लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उनको अफोर्डेबल प्राइसिंग पे उनकी देख रेख हो, देखभाल हो। सर फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं आप पर्सनली पर्सनल लाइफ? देखो कोविड में ये रियलाइज़ किया खास तौर पर, क्योंकि कोविड जो है टर्निंग पॉइंट है हम सबकी ज़िंदगी का, हम लोगों ने अपने आसपास अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को ऐसे जाते देखा या मौत को करीब से मिलकर आते देखा है, तो मुझे लगता है कि हम सबको ख्याल रखना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके, हम लोग एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में हैं, लेकिन मैं वही बात दोबारा दोहराता हूँ कि ना आना पड़े, भगवान ना करे हॉस्पिटल आना पड़े। ओनली फॉर हेल्थ चेकअप, ओनली हाँ रूटीन चेकअप के लिए, बेसिक उसके लिए आना पड़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो सेहत का अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज खाने पीने का ख्याल रखें।